Hello everyone, today we will learn closed loop congestion control techniques. इससे पहले वाली जो वीडियो थी उसमें हमने किया था ओपन लूप कंजेशन कंट्रोल टेक्निक. तो आज हमारे पास ये हैं चार टेक्निक्स हैं क्लोज लूप कंजेशन कंट्रोल टेक्निक्स में. फर्स्ट है बैक प्रेशर, सेकेंड है चोक पैकेट्स, थर्ड है होप बाय होप पैकेट्स एंड फोर्थ है लोड शेडिंग. एक एक करके मैं सारी टेक्निक्स के बारे में आपको बताऊंगी कि हर टेक्निक में किस तरह से कंजेशन कंट्रोल किया जा रहा है. क्लोज लूप कंजेशन कंट्रोल और ओपन लूप कंजेशन कंट्रोल में क्या डिफरेंस है, मैंने अपनी पहली वीडियो में इससे पहले बता चुकी हूँ कि दोनों में कहाँ डिफरेंस है. ओके, तो अब फर्स्ट हमारे पास टेक्निक आती है बैक प्रेशर टेक्निक. बैक प्रेशर टेक्निक में एक्चुअली में होता क्या है, जैसे डायग्राम में दिखाई दे रहा है, इसमें हमारे पास सोर्स टू डेस्टिनेशन फोर रूटर्स हैं बीच में. तो इसमें क्या होगा कि इस टेक्निक में जो डेस्टिनेशन नोड है ये बैक प्रेशर टेक्निक में रिजेक्ट करना स्टार्ट कर देगा पैकेट्स को. इट विल नॉट रिसीव द पैकेट्स एंड इट विल क्रिएट बैक प्रेशर ऑन द फोर्थ रूटर. फोर्थ रूटर विल क्रिएट बैक प्रेशर ऑन थर्ड रूटर. थर्ड रूटर विल क्रिएट बैक प्रेशर ऑन सेकेंड एंड सेकेंड विल क्रिएट ऑन फर्स्ट. इट मीन्स कि हर रूटर बैक प्रेशर अपने जो प्रीवियस रूटर है उस पर क्रिएट करता जाएगा और इससे क्या होगा, जो पिछले रूटर्स होंगे वो बैक प्रेशर क्रिएट होता होता सिस्टम में स्लो डाउन जब होना स्टार्ट हो जाएगा तो ये सारा का सारा प्रेशर सोर्स नोड पे आना स्टार्ट हो जाएगा. लेकिन ऐसा नहीं है कि बैक प्रेशर ही कंटिन्यूटी में रहेगा और इससे तो सोर्स सिस्टम फेल हो सकता है. तो इस टेक्निक में क्या होगा, डेस्टिनेशन ने पैकेट ड्रॉप करने स्टार्ट कर दिए हैं लेकिन ये तब तक टेक्निक वर्क में रहेगी जब तक कंजेशन थोड़ा कम ना हो जाए या बफर में थोड़ा स्पेस क्रिएट ना हो जाए. जब तक बफर फुल रहेगा ये बैक प्रेशर टेक्निक तब तक वर्क करती रहेगी बिकॉज हमें कंजेशन को रिमूव करना है. कंजेशन होने के बाद उसे डिटेक्ट करना है, डिटेक्ट के बाद उसे रिमूव कैसे किया जाए, ये हमारी क्लोज लूप कंजेशन कंट्रोल की फर्स्ट टेक्निक है बैक प्रेशर. इट इज़ अ टेक्निक इन विच कंजेस्टेड नोड स्टॉप रिसीविंग द पैकेट फ्रॉम अपस्ट्रीम नोड. यानी कि ये नोड हमारा पैकेट रिसीव करना बंद कर देगा जो भी इससे ऊपर वाले नोड्स होंगे. ओके, सेकेंड टेक्निक हमारे पास आती है चौक पैकेट टेक्निक. इससे पहले हमें ये समझना होगा चौक पैकेट होता क्या है, वट इज़ चौक पैकेट और इसे कैसे यूज़ करना है. सबसे पहले हमारे पास है चौक पैकेट क्या है. तो एक्चुअली में चौक पैकेट क्या होता है, चौक पैकेट इज़ अ स्पेशलाइज्ड पैकेट दैट इज़ यूज्ड इन फ्लो कंट्रोल. इट मींस कि चौक पैकेट किस लिए यूज़ होगा, जब हमें नेटवर्क में कंट्रोल करना है, फ्लो कंट्रोल करना है तो एक स्पेशल पैकेट डिज़ाइन हो जाता है जिसे हम कहते हैं चौक पैकेट. जिसे यहाँ पर लिखा हुआ है, रूटर्स कैन मॉनिटर द लेवल ऑफ कंजेशन अराउंड देम एंड व्हेन कंजेशन इज प्रेजेंट दे कैन सेंड चौक पैकेट टू सेंडर दैट से स्लो डाउन. इसका मतलब यह है कि यह चौक पैकेट क्या करेगा, यह चौक पैकेट सेंडर को ये बता रहा है कि सेंडर हैज़ टू बी स्लो डाउन, उसे अब स्लो डाउन होना होगा क्योंकि कंजेशन इंक्रीज हो रही है. कंजेशन इंक्रीज तब होती है जब सोर्स की तरफ से पैकेट्स ज़्यादा रेट पर डिलीवर हो रहे हैं और रिसीविंग नोड पर उतने पैकेट वो नहीं रिसीव कर पा रहा, उसे ऑक्यूपाई नहीं कर पा रहा. तो सिस्टम चौक पैकेट में क्या कहेगा कि उसे स्लो डाउन करने के लिए कहेगा. फॉर एग्जाम्पल, इसमें एक एग्जाम्पल के थ्रू बताया हुआ है, व्हेन सोर्स से रिसीव्स अ चौक पैकेट विद डेस्टिनेशन बी एट फर्स्ट. डेस्टिनेशन बी पे जब चौक पैकेट पहुंचता है तो वो ट्रैफिक को कम करने के लिए बोल रहा है डेस्टिनेशन बी को 50% से. सोर्स ए ने चौक पैकेट्स रिसीव किया और ट्रैफिक को 50% कम करने के लिए बोला. कुछ टाइम बाद क्या होगा, जैसे ट्रैफिक 50% कम हो जाएगा, कुछ देर बाद फिर चौक पैकेट रिसीव हो जाता है और वो ट्रैफिक को फिर से 25% कम करने के लिए बोल रहा है. इससे क्या होगा, ट्रैफिक ज़्यादा नहीं बढ़ेगा और कंजेशन नहीं होगी क्योंकि पहले उसने 50% कम कर दिया, पैकेट्स कम रेट पे फ्लो करना स्टार्ट हो चुके. उसके बाद अगेन थोड़ी देर बाद फिर से चौक पैकेट रिलीज होता है, उसे रिसीव करने के बाद नोड फिर से कह रहा है कि 25% उसे रिड्यूस करना है और ये प्रोसेस तब तक चलती रहेगी जब तक कंजेशन कंट्रोल नहीं हो जाता. थर्ड टेक्निक आती है हमारे पास होप बाय होप चौक पैकेट. इसमें चौक पैकेट को थोड़ा सा समझाया, इसके बाद मैं होप बाय होप चौक पैकेट टेक्निक को बताती हूँ उसमें क्या करना है. ये है फर्स्ट हमारी जो अभी मैंने बताई है चौक पैकेट टेक्निक. पी से क्यू, ये देखिए जिस तरह से डाटा ट्रैवल कर रहा है, हैवी फ्लो है तो क्यू ने चौक सेंड किया, ये स्पेशल पैकेट सेंड हुआ. ये स्पेशल पैकेट यहाँ नहीं रुकेगा पी और क्यू के इंटरमीडिएट नोड पे, ये पी के पास जाएगा. तो ये चौक किसके पास जा रहा है, पी की तरफ जा रहा है. पी ने रिड्यूस किया फ्लो को और ये क्यू की तरफ हैवी फ्लो था और यहाँ पर रिड्यूस फ्लो ट्रांसफ़र हो गया. फॉर एग्जाम्पल, हैवी ट्रैफिक बिटवीन नोड्स पी एंड क्यू, नोड्स क्यू सेंड द चौक पैकेट टू पी
choke packet reaches P, P reduce the flow and sender reduce flow out. ठीक है, reduce flow reaches node Q. यही वही process है जो मैंने अभी आपको बताई है कि P से Q choke packet का कैसे functioning है, क्यों ने choke packet send किया, P तक जग गया और P ने traffic को reduce किया और reduce flow के साथ हमारा क्या होगा, congestion नहीं होगी network में. लेकिन next हमारी technique है hop by hop choke packet. इसमें भी choke packet ही use हो रहा है but दोनों में थोड़ा सा difference है. अर्लियर टेक्निक में हमारे पास क्या था कि क्यू ने चौक जो सेंड किया था वो पी तक जा रहा था. अगर इसके बीच में इंटरमीडिएट नोड है हमारे पास तो इसे रिसीव अगर ये कर ले चौक पैकेट को और ये रिड्यूस कर दे अपने ही लेवल पर ट्रैफिक को तो थोड़ा सा बेनिफिट हो सकता है. लेकिन यहाँ पर क्या, अगर ये नेटवर्क बड़ा है और क्यू से पी तक चौक जा रहा है, चौक पैकेट सेंड होने में भी काफ़ी टाइम लगेगा, तब तक ट्रैफिक काफ़ी हो जाएगा नेटवर्क पर. तो होप बाय होप चौक पैकेट क्या कह रहा है कि ज़्यादा लॉन्ग डिस्टेंस होने पर एक उसी पैकेट को, चौक पैकेट को सोर्स तक पहुंचाना इज नॉट अ बेटर टेक्निक. उसमें हम क्या कर सकते हैं, चौक पैकेट को जो बीच में इंटरमीडिएट नोड्स हमारे पास आ रहे हैं वो उस चौक पैकेट से इफेक्टेड हों और वो कंजेशन को कंट्रोल करने में हेल्प करें, जिससे वो कंजेशन रूट नोड से हमारी सोर्स नोड से कम हो जाएगी. इसमें ये देखिए डायग्राम से कैसे है, पी से आर ट्रैफिक फ्लो कर रहा है बट क्यों ने चौक सेंड किया है. जैसे उसे लगा कि कंजेशन हो रही है, यहाँ पर आर का रोल प्ले स्टार्ट हो जाएगा. होप बाय होप चौक पैकेट टेक्निक में आर ने रिड्यूस किया फ्लो को और डायरेक्ट ही क्यू को सिग्नल किया चौक जा रहा है, लेकिन आर ने अपने लेवल पर फ्लो को रिड्यूस कर दिया है. पी से उतना ही और ज़्यादा फ्लो रिड्यूस होकर क्यू तक पहुँच जाएगा. इससे क्या होगा कि चौक पैकेट आर के पास गया और आर और क्यू के बीच में पहले ही ट्रैफिक कम हो जाएगा. जब चौक पैकेट पी के पास पहुंचेगा, पी और रिड्यूस कर देगा फ्लो को. तो रादर देन क्यू से पी डायरेक्ट जाने में थोड़ा सा लॉन्ग डिस्टेंस है, तो आर या जो भी बीच में इंटरमीडिएट नोड्स आ जाते हैं सोर्स टू डेस्टिनेशन के बीच में, वो चौक पैकेट की हेल्प से थोड़ा सा भी अगर ट्रैफिक को कम करने में हेल्प करते हैं तो इससे हमारा कंजेशन रिड्यूस करने में हेल्प मिलेगी. तो अभी हमारे पास तीन टेक्निक्स हो गई हैं, बैक प्रेशर, चौक पैकेट टेक्निक, होप बाय होप चौक पैकेट. नेक्स्ट टेक्निक है हमारे पास लोड शेडिंग. ये भी हमारी क्लोज लूप टेक्निक में ही आती है लोड शेडिंग. लोड शेडिंग इज़ वेरी सिंपलेस्ट एंड मोस्ट इफेक्टिव टेक्निक. लोड शेडिंग वर्ड अगर हमें ध्यान हो तो हम जैसे इलेक्ट्रिक पावर सिस्टम जो होते हैं उनमें हम जनरली यूज़ करते हैं कि लोड शेड किया गया आज. इसका मतलब ये होता है कि जब लोड बहुत ज़्यादा पड़ जाता है, हमारी इलेक्ट्रिसिटी का कंजम्पशन इतना ज़्यादा हो जाता है कि पावर स्टेशन उसको नहीं हैंडल कर सकते, तो कुछ टाइम के लिए हमारे पावर कट लग जाते हैं. जैसे एक पर्टिकुलर टाइम के लिए 9 to 12 का आज कट हो जाता है इलेक्ट्रिसिटी का, तो उसको बोलते हैं लोड शेड करना. लोड शेड का मतलब ये होता है कि ट्रैफिक इतना नहीं बढ़ जाना चाहिए कि सिस्टम फेल हो जाए. अगर हमारी इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन बहुत ज़्यादा हो रही है और लोड शेडिंग ना की जाए तो पावर स्टेशन फेल हो जाते हैं. तो इसी तरह से नेटवर्किंग में लोड शेडिंग की जा रही है. लोड शेडिंग में क्या होगा कि पैकेट्स को ड्रॉप करना स्टार्ट कर देते हैं जैसे ही कंजेशन नेटवर्क पे पता लगती है. व्हेनेवर रूटर फाइंड्स दैट देयर इज अ कंजेशन इन द नेटवर्क, इट सिंपली स्टार्ट्स ड्रॉपिंग आउट द पैकेट्स. वेरी सिंपल टेक्निक है और पैकेट्स इसमें ड्रॉप होने स्टार्ट हो जाएंगे. बट पैकेट्स को किस ऑर्डर में ड्रॉप करना है, कितने पैकेट्स ड्रॉप करने हैं, इसके लिए एक प्रायोरिटी पॉलिसी इंप्लीमेंट की जाती है जिसमें इंटरमीडिएट नोड्स प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग डिसाइड करते हैं और कितनी बैंडविड्थ अवेलेबल है उसके अकॉर्डिंग वो डिसाइड करते हैं कौन से पैकेट इंपॉर्टेंट हैं उन्हें रखना है और कौन से पैकेट ऐसे हैं जिन्हें ड्रॉप करना है. तो ये हमारे पास सारी टेक्निक्स हो चुकी हैं. और इससे पहले थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहूँगी, ओपन लूप कंजेशन कंट्रोल टेक्निक्स हमने की थी और इससे पिछली वाली वीडियो में मैंने उसके बारे में बताया हुआ है विद एग्जांपल, जिसमें हमने लीकी बकेट एल्गोरिथम और टोकन बकेट एल्गोरिथम किए हुए हैं. आज की इस वीडियो में क्लोज लूप कंजेशन एल्गोरिथम में 4 टाइप के हमने क्लोज लूप एल्गोरिथम किए हैं. डू लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल एंड आई विल ट्राई कि नेक्स्ट वीडियो में मैं नेटवर्क सिक्योरिटी इश्यूज़ टॉपिक स्टार्ट करवा सकूं, जिसमें मैं आपको ये बताऊंगी कि नेटवर्क सिक्योरिटी कैसे इंप्लीमेंट की जा सकती है, कौन कौन सी टेक्निक्स हैं और हर एक टेक्निक की कितनी टाइप्स हैं और उसको कैसे इंप्लीमेंट करके हम अपने नेटवर्क को सिक्योर कर सकते हैं. अगर आपको लगता है इस वीडियो में कुछ भी कंटेंट्स में या कुछ भी आपको प्रॉब्लम लगती है या किसी तरह का फीडबैक देना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिए. थैंक यू.